एवरीवन गुड आफ्टरनून तो अभी अभी आ, मैंने यहाँ बर्तन धुले हैं आपको पता है यहाँ पर बर्तन बाहर ही धोते हैं क्योंकि किचन में अभी सिंक नहीं है और किचन भी अभी प्रॉपरली तैयार नहीं हुई है और ये देखिए पेंट जो है वो हो चुका है मतलब तीनों कोड हो गए हैं मम्मी ने पेंट चेंज किया है और पेंटर जो हैं वो अभी रेस्ट कर रहे हैं लंच करने के बाद और मैंने धुले हैं लंच करके बर्तन और धूप आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा तेज़ हो रही है तो अभी सब लोग रेस्ट कर रहे हैं और देखिए पहाड़ियों पर धूप और कहीं कहीं बादल है तो उसकी छाया देखिए आप कैसे लग रही है बिल्कुल काले बादलों की छाया तो पहाड़ों पर ये सब सीनरीज़ जो है वो बहुत ही सुंदर लगती है तो ये देखिए कितने प्यारे हरे भरे पत्ते हैं और हरा भरा व्यू है तो मैंने कहा चलिए थोड़ा बहुत आपके साथ शेयर करते हैं वीडियो स्टार्ट करते हैं तो बस अभी टाइम हो गया है शाम का चाय बनाकर मैंने दे दी है आ, सब लोगों ने पी ली है दादी ने भी पी ली है और दादी जा रहे हैं घूमने जो कि उनका हमेशा का रूटीन है शाम को वो घूमने जाते हैं चाय पीने के बाद तो जो सब्जी वगैरह के पत्ते वगैरह रहते हैं जो भी रहता है बची हुई रोटी तो वो गाय को देते हैं वो भी ले लेकर जा रहे हैं तो मैंने कहा चलिए आपको दिखाती हूँ ये मेरी भाभियाँ थी दोनों गांव में और ये देखिए दादी तो अभी हम गांव से होते हुए जाएंगे और बस यहाँ से हम लोग निकलेंगे सड़क तो मैंने कहा चलिए मैं भी आप लोगों के साथ व्यू व्यू शेयर करते हुए चलती हूँ ये देखिए ये यहाँ से नाला है नीचे जाकर मैं आपको दिखाऊंगी और हम गांव के दूसरी तरफ को आ गए हैं जहाँ मैं पहले भी आई थी एक रिटायरमेंट पार्टी में तो ये देखिए यहाँ से गांव कुछ ऐसा दिखता है पर ये पूरा नहीं है बहुत बड़ा गांव है और यहीं से दिखा रही हूँ मैं आपको अपना घर तो ये देखिए ये जो दिख रहा है ना पेड़ों के बीच इधर को पिंक है और सामने ये तीन कमरे बिल्कुल तो ये है पेंट अभी चेंज किया है यहाँ से डिफरेंस पता लग रहा है तो ये हमारा घर है और ये है वो घर जहाँ पर वो रिटायरमेंट पार्टी हुई थी यहाँ पर रिटायर हुए थे मेरी फ्रेंड के पापा नाना लगते हैं मेरे और यहाँ से देखिए कितना सुंदर व्यू है गांव का और सड़क है और ये देखिए कितने तंग तंग रास्ते हैं यहाँ पर पहाड़ियों पर और दोनों तरफ लगी है घास और प्यारे प्यारे से फूल छोटे छोटे से फूल लगे हैं तो मैंने कहा चलिए आप लोगों को दिखाते हैं वैसे भी आप लोगों को ग्रीनरी जो है वो सभी को अच्छी लगती है ग्रीन आ, मतलब जब चारों तरफ पहाड़ियाँ ग्रीन होती है ना उस टाइम का व्यू बहुत ज़्यादा सुंदर होता है बहुत ही ज़्यादा तो चलिए पहले उतर जाते हैं नीचे सड़क में और दादी जो हैं वो इस रूट से डेली आती हैं अकेली आती है साथ में कोई नहीं होता ऐसा नहीं है कि उनके साथ कोई मिलेगा तभी वो घूमने जाएंगी वो डेली अकेले चलती हैं और यहाँ सड़क से होते हुए दादी फिर घर आ जाती हैं तो देखिए दादी आ रही हैं अपना डंडा दादी साथ में रखती हैं और इसी वजह से शायद वो एक्टिव रहती हैं और बहुत एक्टिव हैं दादी इस एज में भी एटी फाइव समथिंग के दादी होंगे इतना अंदाज़ा लगाते हैं बाकी एज का आपको पता है पहले लोग ध्यान नहीं देते थे तो अब हम यहाँ घूमेंगे वन गुड इवनिंग कैसे हैं आप सब आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे स्वस्थ होंगे और अपना हाल चाल मेरे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा अभी टाइम जो है वो हो रहा है साढ़े पाँच पौने छः के आस पास हाँ तो मैं और दादी निकले हैं अभी घूमने दादी का डेली रूटीन है जो मर्जी हो सिर्फ बारिश नहीं होनी चाहिए तो दादी हमेशा घूमने आते हैं पहले से लेकर और हाँ दादी सोच रहे हैं मुझसे बात कर रहे हैं तो आज मैंने कहा चलिए मैं भी दादी का रूट देखती हूँ कौन सा रूट है यही सड़क वाला है गाँव से होते हुए मैंने आपको दिखाया यहाँ ऊपर से होते हुए यहाँ आते हैं और यहाँ से फिर आ, आगे मेन रास्ते से निकल जाते हैं मतलब एक चक्कर गाँव का ये काट लेते हैं अराउंड वन किलोमीटर के है ये तो ये डेली चलते हैं और ये बिना बिना आसरे के ये बिना सहारे के ये बैठते हैं हेलो कर दो इधर इधर हेलो कर दो कर एंड करो भाई एंड करो काय लिंगड ये दादी लिंगड ये पूरे हम जावन है पेड़ खाण ना पूरीदा तो ये दादी दिखा रहे हैं ये है लिंगड लिंगड़ी है ये पूरे लिंगड़ो जो है येन पूरे तो बात अच्छा अच्छा तो दादी बता रहे हैं ये लिंगड़ है पर अब ये जैसे इसका टाइम ओवर हो जाता है तो ये फूल जा फूल जाता है मतलब तो यहाँ पर एक खतरनाक सा ना, नाला है और इसमें ना तेंदुआ होता है हर मौसम में होता है चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी इसमें आपको तेंदुआ मिलेगा ही मिलेगा और वो ना यहाँ से ऊपर गांव है खेत में बीच में वहाँ पहुँच जाता है तो ये वाला है वो नाला ये, वही गाँव के बीचों बीच से आ रहा है जहाँ से हम आए और इसमें ना बहुत बहुत ही ख़तरनाक है ये आप देख सकते हैं कभी मैं इसमें नहीं गई यहाँ से ऊपर जाके लोगों के खेत हैं और खेतों में जो है वो पहुँच जाता है तेंदुआ पहुँच जाता है इसीलिए यहाँ पर बच्चों को ना रात को बाहर नहीं रखते हैं यहाँ पर जानवरों का बड़ा खतरा रहता है स्पेशली उस तेंदुए का क्योंकि बच्चों को उठा लेते हैं कुत्तों को जो छोटे छोटे बड़े कुत्ते कोई भी हो उठा लेते हैं तो अब हम यहाँ से होते हुए जाएंगे आगे तो दादी ना यहाँ पर डेली चलते हैं और डेली दादी ये किस चीज का पेड़ है, जो शीशड। है? शीशड। शीशड? शीशम? शीशम? बोला। बोला। वैसे क्या है शीशम होता है शीशड़ का पेड़ है आप पता नहीं शीशम होता होगा ये ये रहा ये वाला इससे वो बनाते थे पहले ए? इससे वो बनाते थे बेड वगैरह घर बनाते हाँ शीशम की लकड़ी है ये। बड़ा लकड़ा अच्छा अच्छा अब नहीं होते ना हाँ, ये अब कम है नहीं। नहीं। हाँ इस पहाड़ी पे पूरे में लगे हैं ये शीशम का पेड़ हाँ? हाँ हाँ दादी बोल रहे अब के ज़माने में लोहा और सीमेंट और रेत तो पहले लकड़ी के घर हुआ करते थे लकड़ी और पत्थर के मिट्टी का और गोबर का गारा लगाते थे उसमें लिपाई करते थे अला नाला जो है ना नीचे तक ये कंटिन्यू हुआ है देखिए और यहाँ से होते हुए हमारे इस घर से होते हुए हमारे क्या करते हैं दादी इसे मैं आपको दिखाया ना इसको पहाड़ी भाषा में बलोड़ा बोलते हैं तो दादी बोल रहे हैं पहले के ज़माने में ये बहुत होता था और इसको सब्जी बनाते थे सब्जी बनाते, बनाते थे सब्जी भी चटनी चटनी बनाते थे इसकी खट्टा मीठा होता है ना खट्टा मीठा होता है ना ये खट्टा मीठा होता है ये वाला जो घास है ना घास ही बोलते हैं इसको खुद से नहीं उगाते हैं और ये ऐसे किनारों किनारों में खेतों पे लगा रहता है तो पहले इसकी मतलब सब्जी भी बनाते थे चटनी भी बनाते थे अब नहीं खाते हैं डर के मारे ना अब नहीं दादी बोल रहे अब तो कोई देखते भी नहीं है तो अब डर लगा रहता है कि वो ओरिजिनल चीज होगी भी कि नहीं होगी उससे मिलता जुलता कहीं घास तो नहीं होगा और नीचे ना हमारी कियार है तो दादी बोल रहे हैं मैं रोपा बोलते हैं जिसको हमारी भाषा में कि रोपा दिखाएंगे रोपे में पहले चावल होते थे सब्जी भी होती थी हरी सब्जी और एक वो उठाने वाली सब्जी होती है मतलब हमारे यहाँ चुंगड़ सब्जी उसे बोलते हैं वो खुद से उगती है तीन चार तरह की होती है हाँ ये नीचे आपको दिखा रहे हैं दादी कहाँ हैं अच्छा अच्छा ये जो नीचे बड़ा सा पत्थर बता रहे हैं ना दादी ये वाला इसके साथ तीन चार है कहीं यहाँ कभी मैं भी नहीं पहुंची मैं नहीं गई यहाँ कभी गार्ड में खड में दादी कौन सी खड है ये ये बोलते हैं इसको से से आती है ये पीछे से? का अच्छा कंडे से आ रही है ये खड इसको चकटी खडी बोलते हैं और इस खड का पानी ना मेरे ससुराल जाता है हमारे वहाँ जाता है दत्तनगर निरसो साइड जाता है और इसी पानी को हम पीते हैं तो बहुत अच्छा व्यू है यहाँ से मैं आपको बैक कैमरा से दिखाती हूँ आप मैं आपको दिखाती हूँ दादी हाँ ये ये कीड़े ने खाया हुआ है तो ये वाला पेड़ जो है ना ये वाला ये छन्नी सा बना हुआ है ये है त्रिमल का पेड़ त्रिमल इसे ना पतले बनती है जो आ, खाना खाने के लिए हमारे यहाँ शादियों में धाम में खाना खाते थे जिसमें वो पतले इससे बनती है बहुत पक्का पत्ता होता है ये त्रिम्बल का और पता नहीं हिंदी में क्या बोलते होंगे त्रिम्बल बोलते हैं भाषा हमारी भाषा में तो वो वाला पत्ता है ये तो बहुत सारी चीज़ें हैं और यहाँ तो भांग ही भांग लगी है ये वाली भांग एक ये चीज़ है ये भी बहुत पुराने टाइम से है अब बहुत कम मिलती है तो इसको दादी बता रहे हैं कर्मशल कहते हैं हमारी भाषा में छोटे छोटे से दाने होते हैं जैसे काफल होता है ना काफ़ल तो बड़ा होता है पर वैसे छोटे छोटे से दाने होते हैं बिल्कुल छोटे छोटे से और खट्टे मीठे होते हैं वो भी जब लगेंगे ग्रीन होंगे उसके बाद वो थोड़े से रेड से होंगे और जब पक जाते हैं तो वो डार्क पर्पल कलर के हो जाते हैं तो वो इसमें लगते हैं और ये था हिंसर इसे भी पहाड़ी भाषा में हिंसर बोलते हैं मतलब रसबरियाँ होती है छोटी छोटी सी रेड कलर की बहुत टेस्टी होती है बहुत ही टेस्टी और ये ना शिमला में भी था जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो वहाँ पर भी ये रहता था पोर्ट मोर स्कूल के पास हम लोग डेली खाते थे तो वो खूब अच्छी मतलब वो ऑरेंज कलर की होती है डार्क डार्क कलर हाँ अब न पता नहीं क्यों धीरे धीरे फसलें वगैरह बहुत कम हो रही है ये प्लम के पेड़ है दादी यहाँ नीचे कौन से बगीचे हैं जहाँ हाँ तो वहाँ पे नीचे ना जहाँ मैं आपको दिखा रही थी रोपे से ऊपर को सारे बादाम के बगीचे हैं और अब हमारे चाचू वगैरह ने लगा दिए हैं हाँ अब धान वगैरह नहीं लगाते तो वहाँ पर अब सेब लगा दिए हैं तो बाकी वहाँ पर बादाम का बगीचा बादाम वहाँ बहुत अच्छे होते हैं नीचे वाली बैट में और ये ऊपर जहाँ बच्चे खेलते हैं वो इसकी मीठी होती है चुल्ली की मीठी होती है कड़वी होती खुरमानी की होती है कड़वी मीठे, अच्छा इसकी होती कड़वी अच्छा तो ये वाला पेड़ जो है ना ये चुल्ली का पेड़ है जो चुल्ली होती है सेम सेम ही होता है थोड़ा फर्क होता है टेस्ट में चुल्ली की जो गुट्टी है अंदर से बीज जो होता है बादाम छोटा वो कड़वा होता है जो खुरमानी है उसका मीठा होता है और इसका तेल होता है ना इसका तेल होता है चुल्ली का तेल वो जो है वो तेल ना घी का मुकाबला करता है मतलब घी से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है तो बहुत अच्छा होता है वो अगर उसे खाते हैं ना घी की जगह उस तेल को खाते किनौर साइड बहुत उस तेल को खाते हैं और किनौर में ये चुल्ली बहुत होती है यहाँ पर भी है पर यहाँ पर उतनी नहीं है एक ही पेड़ इसका बहुत बड़ा होता है और उसी से काफ़ी हो जाता है मतलब मम्मी का हर साल मम्मी निकालते हैं हर साल नहीं तीसरे साल के लिए इस साल की चुल्ली रखेंगे और अगले साल जो होगी फिर उसको मिलाकर तेल निकालते हैं तो पाँच छः लीटर के करीब मम्मी का हो जाता है और जैसे आपको टांगों में दर्द हो जोड़ों में दर्द हो तो वो तेल आप लगाएं उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है घी से ज़्यादा अच्छा वो तेल रहता है और इधर भी यही है चुल्ली लगी है सारे में खुद भी लग जाती है ये ये तो किसी की प्रॉपर्टी नहीं है ये रास्ते में खुद लगी है जैसे बीज वगैरह में भी शायद गिर जाते होंगे उस वजह से लग जाती होगी और यहाँ से दादी मिट्टी ले जाते हैं यहाँ से मिट्टी ले जाते हैं ये देखो आपको मैं दिखाती हूँ एक और इंटरेस्टिंग सी चीज़ देखो। ये देखो ये वाली जो मिट्टी है ये लाल लाल मिट्टी होती है और ये बहुत सॉफ्ट होती है तो ये देखो और इसकी खुशबू इतनी अच्छी होती है ना मैं आपको क्या बताऊं मेरी सिस्टर होती तो खा जाती हाँ चूल्हे के लिए हाँ तो पहले जब पहले के जमाने में चूल्हे की लिपाई से रोज करते थे दादी क्या रोज लिपते थे चूल्हा हाँ हाँ दूसरे तीसरे दिन लिपाई करते थे चूल्हे की इस मिट्टी से गोबर डाल के इसमें गोबर डालते ना इसमें खाली इसकी चूल्हे में नहीं डालते गोबर अच्छा चूल्हे में गोबर नहीं डालते थे चूल्हे में इसी की इसको भिगो के रखते थे फिर वो ब्रश जो होता है ना वो भी एक घास होता है मूंजी बोलते हैं उसको हमारी भाषा में मूंजी का घास होता है उससे बनाते थे उसको लिपाई करने के लिए चूल्हा चूल्हा बोलते थे शायद हाँ चूल्हा बोलते थे उससे बनाते थे और उससे लिपाई करते थे और जैसे घर के बाहर करते थे दीवारों में करते थे आंगन में करते थे तो उसमें गोबर डालते थे थोड़ा सा गोबर डाल के और बहुत अच्छा रहता था वो सब पहुंच रहे हैं घर दादी थक गई दादी तो पता नहीं मैं थक गई तो बस यहाँ पर हमें मिली हैं भाभियाँ चाचियाँ आपको पता है लोग ऐसे बैठे रहते हैं और बुज़ुर्ग लोग जो होते हैं सब लोग धीरे धीरे दी, आगे निकलते हैं गाँव में गर्मी रहती है ना तो सब आगे खुली हवा में बैठे रहते हैं तो ये मेरी भाभी हैं और ये देखिए ये दादी को नमस्ते कर रहे हैं हमारे यहाँ इस तरीके से नमस्ते करते हैं सुई बोलते हैं इसे सुई देना तो बस यहाँ नमस्ते कर रहे हैं उसके बाद हम चल रहे हैं यहाँ से और यहाँ पर मैं बात कर रही थी एक बुज़ुर्ग अंकल से उन्हें पता वो बता रहे थे कि उनके कुत्ते को रात को किसने खाया इसको आ, मतलब शेर ने हैं? खा लिया है यहाँ से किसने खाया इसको कोरे खाओ जो कहाँ आया होता बराग अरे भगवान कल रात को आ, कल रात को तो वही ब्राग तेंदुए को बोलते हैं रात में ब्राग आया था और उसने कुत्ते को मतलब छूट गया उससे कुत्ता पर नोच लिया उसने बुरे तरीके से और ये देखिए ये मैं आपको दिखा रही हूँ पुराना सा घर बुआ लगते हैं मेरे उनका घर है बहुत पुराना तो इसमें हम रहते थे मेरी बेस्ट फ्रेंड है जो इसमें रहती है संतोष आ, मतलब रहती है नहीं रहती थी बहुत टाइम हमने यहाँ स्पेंड किया है तो अभी हम लोग पहुंच गए हैं घर और दादी चले गए हैं अपना पूजा पाठ करने मतलब घूम कर आते हैं फिर हाथ मुँह धोते हैं और उसके बाद काफ़ी लोगों ने पूछा था कि राधा स्वामी है तो हाँ जी दादी जो है चाचू ये सब बुआ राधा स्वामी हैं और मम्मी वगैरह जो हैं वो सतपाल महाराज वाली संस्था से जुड़े हैं तो चलिए अब चलते हैं अंदर और पेंट ना हो गया है देखिए कैसा पेंट लगाया है मम्मी ने बहुत प्यारा कलर है और हो गए हैं इसमें तीनों कोड और अभी नहीं गए दादी अभी हाथ पैर धोकर आ रहे हैं अब इस रूम में जाएंगे और अपना पूजा में बैठ जाते हैं थोड़ी देर के लिए तो हो गया ये बस खिड़की दरवाज़े में एक एक कोड़ रह गया है तो आज हॉल साफ़ किया है मम्मी के साथ और मतलब मम्मी ने किया और मैंने खाना बनाया तो आज मैं शॉप नहीं गई आज दो दिन अब मैं भी रेस्ट करूंगी और मम्मी का ऑलमोस्ट ख़त्म ही है यहाँ पर और बाकी ये सब है इधर फैला हुआ है काम तो कभी नहीं देखे ख़त्म होते हैं और ऊपर का भी है अभी पता नहीं होगा नहीं होगा तो देखेंगे जो भी होगा पर यहाँ अंदर वाला ये सब ख़त्म हो जाएगा बस वो वाला रूम रह गया है लास्ट वाला रूम रह गया है किचन बाथरूम टॉयलेट ये बाहर से रह गया है ये वाला पेंट चेंज किया है मम्मी ने पहले ना पिंक से कलर का था पिंक कलर का था पहले लाइट पिंक और अब ये ग्रीन सा शेड है ऐसा ही है जैसा है वैसा ही आ रहा है नमस्ते जी पानी तो अब चलती हूँ किचन में देखती हूँ मम्मी अभी पानी लेने गए हैं क्या बनाएंगे क्या नहीं तो दीजिए मुझे अब इजाज़त कैसा लगा आपको वीडियो ज़रूर बताइएगा कमेंट करके और वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा बेल बटन को ज़रूर दबाइएगा न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय गुड नाइट टेक केयर और जाते जाते मैं आपको दिखाती हूँ शाम का व्यू बैक कैमरा से